प्रकृति वैली इज होम टू वंडर्स एंड आई एम श्योर कि इसको विजिट करना एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाएगा. अ न्यू डे एंड न्यू स्टार्ट. लास्ट फ्यू डेज एंड ट्रेवल काफी हेक्टिक रहा, इसलिए सोचा कि आज थोड़ा रेस्ट कर लूं. पर रूम में बैठे बैठे एक आवाज सी आ रही थी कि आ जाओ, माउंटेन्स कॉलिंग. और मैं निकल पड़ी अगेन फ्यू न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने नियर काजा स्पिटी वैली. चीचम ब्रिज, द हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया, और ऊपर से काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ब्रिज 13,596 फीट ऊंचाई पर है और चीचम और किब्बर नाम के दो विलेजेस को जोड़ता है. नीचे की नैरो वैली को सांबा लांबा नाला के नाम से जाना जाता है. इस पुल के बनने से किब्बर से लोसार तक का सफर 40 किलोमीटर कम हो गया है. ये ब्रिज का ओपनिंग 2017 में हुआ था और ये ब्रिज बनने में 15 साल लग गए थे. पहाड़ों में बसे हुए ये छोटे छोटे विलेजेस को देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना नेटवर्क और प्रॉपर लाइट्स एंड रोड्स यहाँ पे लोग इतना सिंपल लाइफ कैसे जी लेते हैं. क्योंकि हम शहर वाले तो एक ही दिन में घर के अंदर बिना नेटवर्क के बेचैन हो जाते हैं. सच कहा ना. पर यही कह लो कि कुदरत का कमाल है, ये पहाड़ों में मैजिक है. देखो ना, यहाँ आके मैं खुद भी पूरा दिन बिना नेटवर्क एंजॉय कर रही हूँ. लेट मी टेक यू टू वन मोर रिमोट विलेज किब्बर. एक स्मॉल टाइनी विलेज ऑफ स्पिति, शायद ही ज्यादा लोग जानते होंगे इसके बारे में. यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर समय रुक सा गया हो. बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ के लोगों को. अपनी ही दुनिया में मस्त और खुश है. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हिडन जेम इन स्पिति. तो चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? थक गई. What's your name? हाँ? पासांग लामा. ओह सो स्वीट. और आपका? रिंजन पुटीदा. हमेशा ड्यूरिंग द ट्रैवल मुझे कॉफी पी के थोड़ा चार्ज होने की आदत है, इसीलिए ये स्मॉल विलेज में मैं कॉफी शॉप ढूंढ रही थी. एंड यस, हियर इट इज. 14,200 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ और ज्यादा से ज्यादा 100 हाउसेस वाला ये अद्भुत विलेज में कॉफी शॉप मिलना ये भी एक खुशी की बात है. एक घर के अंदर कॉफी शॉप बना के लोग आराम से गेम खेल रहे हैं. हाउ क्यूट. यहाँ आके मैंने सोचा कि वेदर ना बाहर थोड़ा गर्म है तो कुछ ठंडा ही हो जाए. मैं एक अलग तरीके के कॉफी शॉप को इमेजिन करके अंदर आई थी, पर ये तो एक अलग ही वाइब के साथ सिंपल कैफे एंड टूरिस्ट के लिए स्पेशल जगह है. मैंने जाना कि यहाँ के लोग जीने के लिए फार्मिंग करते हैं. यहाँ का लैंडस्केप मुझे काफी हद तक लद्दाख जैसा भी लगा. और हाँ, विलेज में ना बेसिक नेसेसरी एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ है. अमेजिंग ना. आजकल इंडिया में ना टूरिज्म में स्पीति वैली बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है, इसलिए अब तो लोगों ने भी रिमोट विलेजेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है. और यहाँ पर भी स्मॉल स्मॉल गेस्ट हाउसेस एंड होम स्टेज अवेलेबल है, तो देर किस बात की. मेरा ब्लॉग देख के जल्दी ही प्लान करो, आ जाओ यहाँ पर. और हाँ, किबर इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. काजा से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ ये विलेज एक्सप्लोर करने जरूर आना.
कहाँ है? नीचे जाना है, ऊपर नहीं ना, नीचे फिर लेफ्ट। बोर्ड है वहाँ पर? हाँ जी बोर्ड है, गेट हो गया। आज का मेरा लास्ट स्टॉप है की मोनेस्ट्री, एंड रोड्स टुवर्ड्स की मोनेस्ट्री फ्रॉम किबर आर वेरी नैरो एंड रिस्की। पर अब तो ना पहाड़ों में ऐसे रोड्स पे ड्राइव करने की आदत सी हो गई है। सामने से ना एक कार और आ जाए ना तो बस हार्ट बीट्स मेरे फास्ट हो जाते हैं कि अब कहाँ जाओ। बट आई फील दिस इज सुपर एडवेंचर टू डू इन इंडिया। During the year, best time to visit Spiti Valley is between May to October. हिमाचल में इतने सारे मॉनेस्ट्री में से की मॉनेस्ट्री मस्ट विजिट प्लेस हैं। पहाड़ों से घेरी हुई ये मॉनेस्ट्री की कहानी भी अलग है। This one is not only biggest but oldest monastery also. It is also known as a Ki Gompa, which is located at an altitude of 4,166 meter above sea level. मेरा नाम आर्या, तुम्हारा क्या है? मेरा तंजिन छेके। तुम्हारा? रुकसान छोटा। मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा। की मॉनेस्ट्री बिगेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन स्पीति वैली है। 1,000 years से भी ज्यादा पुराना ये मॉनेस्ट्री लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 13,668 फीट अबव सी लेवल इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। मॉनेस्ट्री उसके आर्किटेक्चर के वजह से बहुत फेमस है। 3 फ्लोर के ये मॉनेस्ट्री का अंडरग्राउंड फ्लोर स्टोरेज के लिए यूज होता है एंड ग्राउंड फ्लोर पे असेंबली हॉल एंड मॉन्क के रूम। दिस मॉनेस्ट्री डिस्ट्रॉयड सो मेनी टाइम्स बाय इन्वेडर्स एंड रीबिल्ट। 1840 में फायर हुआ था और 1975 में अर्थक्वेक, जिसके वजह से यहां पर बहुत डैमेज हुआ था। इन 2000 की साल में दलाई लामा जी के प्रेजेंस में यहां पे काल चक्र समारोह हुआ था और काफी लामाओं ने अटेंड भी किया था। यहां का कल्चर तिब्बत से काफी रिजेंबल करता है, इसलिए पूरे स्पीति वैली को शायद लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इसी मॉनेस्ट्री में एक बॉलीवुड फिल्म पाप, जिसका शूट हुआ था, शायद आपको पता हो। मॉनेस्ट्री में मॉन्क किचन में वेलकम करके यहाँ की स्पेशल टी ऑफर करते हैं। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव जेस्चर लगा। ये टी एक स्पेशल टी है जो सिर्फ यहीं पे मिलती है। हाँ, एंड टेस्ट इज सो गुड। एक बात कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉन्क किड्स इतने मस्तीखोर होते हैं, बट इनको इस तरह से इंजॉय करते देख के मुझे बहुत सरप्राइज हुआ और खुशी हुई। मेरे दिमाग में एक अलग इंप्रेशन था मॉन्क किड्स को लेकर, पर खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं। दे आर सो स्मार्ट एंड एक्टिव। जंप।
इतना ह्यूज मॉनेस्ट्री फर्स्ट टाइम देखा मैंने, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और बुद्धिस्ट कल्चर को भी जाना करीब से। स्पीति वैली में और भी बहुत सारे मॉनेस्ट्री है और सारे मॉनेस्ट्री एक दूसरे से अलग अलग है। सो लेट्स सी, देखेंगे आगे जाके। ये मॉनेस्ट्री के विजिटिंग आवर्स शाम को 6 बजे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर दिन बहुत जल्दी चालू होता है, मॉर्निंग 5 o'clock, और शाम को लोग डिनर करके जल्दी सो जाते हैं। वेरी सिंपल लाइफ। और मैं भी बस निकल पड़ी हूँ काजा बैक टू द होटल। और ये पूरा ब्लू कलर का स्काई, बीच में ऑरेंज कलर की लाइंस, वाओ व्हाट अ व्यू, एंड दीज नेवर एंडिंग रोड्स फुल ऑफ एडवेंचर। पहुंच चुकी हूँ हिमालयन कैफे इन काजा, ब्यूटीफुल कैफे। यहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया है। काजा में ये कैफे विजिट करना जरूर करना। ओके, सो कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वहां पर बेल का आइकन है, उसके ऊपर हिट जोर से कर दो। कॉफी पी के मैं गई अपने रूम में। मिलते हैं फिर, बाय बाय।